पोस्ट ऑफिस के खाते के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज मिलती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम होते हैं जिसमें कि आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, FD RD ओपन करते हैं, तो उसमें सिर्फ आप अपना 1 लाख रुपए तक ही सेव कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के खाते में आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक रख सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। पहले पोस्ट ऑफिस के खाते काफी सिंपल हुआ करते थे, लेकिन अब ये भी डिजिटल हो गए हैं और ये भी अब चेकबुक, डेबिट कार्ड, NEFT, IMPS, नॉमिनेशन जैसे फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब इनके अकाउंट भी ऑनलाइन ही ओपन होते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपने मोबाइल फोन से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज राहुल सिंह एंड यू वाचिंग टू LNS टॉक। तो पोस्ट ऑफिस में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले IPBB मोबाइल बैंकिंग का ऐप इंस्टॉल करना होगा। ये आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इसे हम लोग और देख लेते हैं कि इसके आने का प्रोसीजर क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो आएंगे इसको अलाउ करने के लिए हम इसे अलाउ करते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें एक बार हमें मीडिया और फाइल का अलाउ करना होगा और एक बार लोकेशन डिवाइस का अलाउ करना होगा, तो हम यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन नाउ पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नया अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका एंटर करना होगा और यहाँ पे आपका पैन नंबर एंटर करना होगा और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही मोबाइल नंबर और पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। तो फिर जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक OTP सेंड किया जाएगा और आप उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यही हमारा OTP आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं 465102। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना होगा, आपका आधार नंबर जो भी है, या फिर आप आधार वर्चुअल आईडी पे अगर एंटर करना चाहते हो आप इस पर क्लिक करके आप अपना आधार वर्चुअल आईडी एंटर कर सकते हैं। नहीं तो हमें आधार नंबर एंटर करना, तो हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे और एक बार आधार नंबर एंटर करने के बाद दोबारा आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको ये दोनों चेक बॉक्स हैं उसको पे क्लिक करना होगा, आपको वेरीफाई करना होगा। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर करने के बाद सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमने अपना आधार नंबर एंटर कर लिया और चेकआउट करते हैं और दोनों कंफर्म बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर OTP आएगा, आपके जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर उस पर आपका OTP आएगा। तो आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे और अपने आप ये सबमिट हो जाएगा। तो 17 8 0 2 4 ये हो गया हमारा। अब आपको यहाँ पे आपके मदर नाम एंटर करना होगा, फिर आपको यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ नेम इंटर कर सकते हैं अगर होगा तो। यहाँ पे फिर से मदर नेम इंटर करना होगा और फादर से आपका ऑलरेडी ले चुका है और ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से इंटर कर लेते हैं। तो ये हमने इंटर कर लिया और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अब पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करेंगे। आपका एड्रेस, आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो ऑलरेडी ले चुका है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है तो आप सेम एड्रेस पे क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद नॉमिनेशन डिटेल आएगा, आप इसको ओपन करेंगे। अगर आप इसे नॉमिनेशन डिटेल देना चाहते हो तो आप अभी दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो बाद में भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको रहने देता हूँ। आप यहाँ से एस करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम, नॉमिनी का नाम इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ उसका एंटर करें, रिलेशनशिप जो भी होगा, एड्रेस लाइन यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सेम एड्रेस होगा एप्लीकेंट और जो नॉमिनी है तो यहाँ पे सेम, बस पर यहाँ पे क्लिक चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ये आपका ले लेगा। तो चलिए इसको हम रहने देते हैं, हम नो कर देते हैं, बाद में इसको अपडेट कर लेंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा नॉमिनी डिटेल्स पूरा हो चुका है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारी नेशनलिटी पूछ जा रही है, हम इंडियन हैं, इंडियन सेलेक्ट कर दें। मैरिटल स्टेटस यहाँ पूछ रहा है, तो जो भी हो अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी आप हैं वहाँ पे कर सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन टाइप है, यहाँ पे आप किस टाइप पे हैं, आप एग्रीकल्चर, बिजनेस, होम मेकर, जो भी हैं आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो हम ऐसे हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक कर सकते हैं। आप ग्रॉस एनुअल इनकम भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका साल में इनकम कितनी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 लाख रुपये। फिर इसके बाद चलते हैं एजुकेशनल लेवल पे। यहाँ पे पूछेगा आपका कौन सा, आपने स्टडी कितनी तक की हुई है, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट, यहाँ पे ग्रेजुएट पे क्लिक कर दूंगा। और फिर इसके बाद आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, यहाँ पे नो रहने दीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सिलेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन अकाउंट स्टेटमेंट, यस हमें चाहिए। और फिर मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपके यहाँ पे ऑनलाइन और पोस्टल दो टाइप के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो होगा वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड की जाएगी, यानी आपको जो भी
स्टेटमेंट होगा वो आपको ईमेल आईडी के द्वारा ही आपको सेंड किया जाएगा, और पोस्टल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे सेंड किया जाएगा। तो भाई हम पोस्टल ही रहने देते हैं, क्योंकि हम अगर हमें स्टेटमेंट चाहिए तो हम जो प्रिंट आउट हमें नहीं करना पड़ेगा, अगर हमें ईमेल आईडी पे जो हमारा स्टेटमेंट आएगा तो उसको हमें प्रिंट आउट करा के रखना होगा, लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस द्वारा आ जाएगा तो हमें प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम इसको पोस्टल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको डेबिट मैपिंग का ऑप्शन दिखेगा, रिसीव डेबिट इन आईपीपीबी अकाउंट। क्या आप जो डेबिट के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करते हैं क्या वो भी आप इसी अकाउंट पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एस बटन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहते तो आप नो बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे नो हमें नहीं चाहिए, हम इस अकाउंट में जो हमारे पहले में आ रहा है हम उसी में चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे नो, हमें डोंट आई वांट चेंज डेबिट मैपिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन मिलेंगे बैंकिंग ऑप्शन के, यहाँ पे तीनों को क्लिक रहने देना है, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, हमें सब चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा जो भी आपने एंटर किया हुआ था, तो आप एक बार इसके चेकआउट कर लेंगे कि आपका इसमें सब चीज़ सही है, तो सही है तो आप इसमें कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ भी चीज़ एंटर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ अगर अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहीं पे क्लिक करके, जैसे हम यहाँ पे अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने फिर से आएगा, उस चीज़ को आप फिर से एंटर करेंगे, जो भी गलती सही लग रहा होगा आपको तो आप उसको सही कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बैक करते हैं, तो हम लोग चलते हैं कंटिन्यू पे, और फिर ये चेकआउट करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, और उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये हमने फटाफट से एंटर कर लिया है, फिर से एक बार रॉन्ग हो गया था, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सबमिट अपने आप ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये। जैसे हम अपना OTP इंटर करेंगे तो ये हमारा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ये हमारी हो जाएगी कस्टमर आईडी, ये हो जाएगा हमारा अकाउंट नंबर, यही जो डिटेल्स हैं ये हमें SMS के माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर पे भी अभी सेंड कर दिया गया, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा ऊपर नोटिफिकेशन आया था हमारे। तो ये हम चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसे। ठीक है, फिर हम चलते हैं गो टू होम, यहाँ से गो टू होम पे चले गए, अब हमें लॉगिन करना है, लॉगिन आप पे क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो चलिए हम फटाफट से एंटर कर लेते हैं अकाउंट नंबर। तो ये हमने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। इसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको MPIN सेट करने के लिए आ जाएगा, तो हमें चार अंकों का MPIN सेट करना है, आप अपना चाहें जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और एक बार MPIN सेलेक्ट करने के बाद आपको री इंटर MPIN करना होगा ताकि कन्फर्म हो जाए, तो आप री इंटर MPIN कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे सेट MPIN पे क्लिक कर देंगे, तो जो आपका है दोनों सेम होना चाहिए, और फिर आपको एक OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो ये हमारा आ चुका है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना OTP इंटर कर लेते हैं, और ये हमारा ले लेगा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फुल सक्सेसफुल हो चुका है, एंजॉय बैंकिंग विथ अस, लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और हम अपना बस जो MPIN बनाए हुए थे वो यहीं पे एंटर करेंगे, और ये अपने आप हमारा लॉगिन हो जाएगा हमारे अकाउंट के मेन वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, और इसको अलाउ कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सेविंग अकाउंट 00 अकाउंट नंबर इतना दिखा रहा है, व्यू स्टेटमेंट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, सेंड मनी भी कर सकते हैं, पे बिल्स, कार्ड्स, सर्विस, DOP। अब आप इसमें दो तरफ से, इस अकाउंट में दो तरफ से पैसे जमा कर सकते हैं, पहला तो आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, किसी भी UPI के माध्यम से आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने शाखा में जाकर के, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, आप वहाँ पे जाकर के इसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ कि आप ऑनलाइन इसमें पैसे जमा कैसे करेंगे। तो अगर आप फोन पे के माध्यम से पेमेंट सेंड करना चाहते हैं उस अकाउंट में, तो आप यहाँ पे टू अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे, और टू अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे उसको IFSC कोड यहाँ पे एंटर करेंगे उस बैंक का, और फिर अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फोन पे के माध्यम से अपने उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ इसमें, आप अपने यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा ये यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, आपका जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और आपका IFSC कोड भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे बिल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप इसके थ्रू किस किस चीज़ का बिल पेमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए अभी लोडिंग ले रहा है, वेट करते हैं कुछ सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। मोबाइल, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, डीटीएच रिचार्ज, गैस, वाटर बिल रिचार्ज, किसी भी प्रकार रिचार्ज, टैक्स, लोन, फिर हम इंश्योरेंस अगर है तो वो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। टोल रिचार्ज भी कर सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर इत्यादि एक्स्ट्रा जितने भी हैं आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट के माध्यम से किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं तो आपको सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब सेंड मनी ऑप्शन पर आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहें, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियरी मैनेज, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर से कर सकते हैं। तो फंड ट्रांसफर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी के रूप में किसी को एक सेंड करना होगा, ऐड करना होगा। जब तक आप बेनिफिशियरी ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे तब तक आप उसको पैसा नहीं भेज सकते। तो क्या आप जो पैसा भेजना चाहते हैं वो दूसरा अकाउंट नंबर और IFSC कोड है? क्या आपका जो अकाउंट है वो क्या IPPB अकाउंट है, यानी पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, उसमें भेजना चाहते हैं? तो आप जिसमें भेजना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो हम अकाउंट नंबर और IFSC भेज के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी नेम इंटर करना होगा, अकाउंट नंबर इंटर करना होगा, दोबारा कंफर्म इंटर करना होगा और IFSC कोड इंटर करके कंटिन्यू कर देना होगा। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से इसको जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। और आपको पोस्ट ऑफिस खाते से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे नीचे टोल फ्री नंबर दिखा रहा है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के। तो इस तरह से आप भी पोस्ट ऑफिस में एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट आपका है यह एक साल तक के लिए है, अगर आप अपनी फुल KYC नहीं करवाएंगे तो ये एक साल के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आपको एक साल के अंदर अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट ये हमेशा चलता रहे, तो एक साल के अंदर अंदर आपको मौका लगा करके आपको जा करके अपने ब्रांच में इसको फुल KYC करवानी होगी, तभी आपका अकाउंट चालू रहेगा। सो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।